वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ सिलेंबर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बोन मैरो टेस्ट की। बोन मैरो टेस्ट को हिंदी में अस्थि मज्जा परीक्षण भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो टेस्ट क्या होता है, किन बीमारियों में बोन मैरो किया जाता है और बोन मैरो टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है। साथ में हम बात करेंगे कि इसका कितना प्राइस होता है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए सैंपल कलेक्शन से पहले और सैंपल देने के बाद में। अगर हम बात करें बोन मैरो क्या होता है, सो बोन मैरो जो हमारी हड्डियां होती हैं, मतलब जो बड़ी हड्डी होती हैं जैसे कि कूल्हे और जांग की हड्डियां, उसके अंदर क्या होता है, कुछ स्पंजी टिश्यूज होते हैं, मतलब स्पंजी ऊतक होते हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं यहां पर। और इनके अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है बोन मैरो का, सो बोन मैरो का प्रमुख काम जो होता है, हमारी खून की कोशिकाएं होती है, मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको उत्पन्न करना, इनको प्रोड्यूस करना। साथ साथ में ये जो होते हैं हमारे शरीर में रक्षात्मक सेल्स भी बनाते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं का विकास भी करते हैं और हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम भी ये करते हैं। अगर हम बात करें कि बोन मैरो जो टेस्ट होता है उससे कौन सी बीमारियां पता चलती हैं, तो यदि आपको काफी लंबे समय तक खून की कमी रहती है और साथ साथ में यदि किसी व्यक्ति को खून का कैंसर है या फिर किसी व्यक्ति को अनुवांशिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, उसके अलावा अन्य जेनेटिक डिसऑर्डर, या फिर किसी व्यक्ति को बार बार इन्फेक्शन होता है, या किसी व्यक्ति को जो होता है ऐसा बुखार जिसके बारे में पता नहीं होता कि बुखार किस वजह से उस व्यक्ति को लगातार बना रह रहा है, सो इन बीमारियों में बोन मैरो टेस्ट किया जाता है। अगर बात करें बोन मैरो टेस्ट प्रोसीजर की, तो इसमें क्या होता है, इसके लिए जो आपकी जो बड़ी हड्डियां होती हैं जैसे कि कूल्हे या जांघ की हड्डी होती है, वहां से सैंपल निकाला जाता है जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले सफाई करी जाती है उस एरिया की, उसके बाद उसमें लोकल एनेस्थीशिया दिया जाता है जिससे क्या होता है दर्द महसूस नहीं होता है। उसके बाद हड्डी को पंक्चर किया जाता है, मतलब हड्डी के अंदर एक लंबी सुई होती है उसे छेद किया जाता है, उसके बाद दूसरी सुई से सैंपल निकाला जाता है। जैसा आप यहां पर देख रहे हैं जो बोन मैरो की जो नीडल होती काफी लंबी होती है, उसे काफी अंदर तक छेद किया जाता है, मतलब जो हमने जैसे बताया था बोन मैरो अभी पहली स्लाइड्स में, तो वहां तक अंदर छेद किया जाता है, फिर वहां से सैंपल निकाला जाता है और उसको एग्जामिनेशन करवाया जाता है लैब में। अगर हम बात करें कि इस प्रोसीजर में, मतलब सैंपल कलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसमें कितना समय लगता है, तो उसमें जनरली 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक लग सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें इसमें दर्द होता है कि नहीं होता, जैसे क्या होता है बोन मैरो सैंपल कलेक्शन से पहले एनेस्थीशिया, लोकल एनेस्थीशिया दिया जाता है, जिस वजह से क्या होता है व्यक्ति को ज्यादा दर्द महसूस नहीं होता, बट हो सकता है कुछ पेशेंट में जब सीरिंज अंदर डाली जाती है, नीडल अंदर डाली जाती है, तो उस दौरान उनको दबाव महसूस हो सकता है या दर्द महसूस हो सकता है, या फिर यदि जब जो नीडल निकाली जाती है उस दौरान भी उनको दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि लोकल एनेस्थीशिया दे दिया जाता है, इस वजह से क्या होता है ज्यादा दर्द व्यक्ति को महसूस नहीं होता है। अगर बात करें कि बोन मैरो बायोप्सी से उबरने में पूरी तरीके से कितना समय लगता है, तो इसमें जनरली क्या होता है कि 1 से 2 सप्ताह के बीच में पूरी तरीके से व्यक्ति ठीक हो जाता है। अगर हम बात करें कि बोन मैरो बायोप्सी करने से पहले आपको डॉक्टर को क्या बताना चाहिए, तो उसके लिए आपको निम्नलिखित बातें डॉक्टर को बता देनी चाहिए, जैसे यदि आपको कोई खून का कोई डिसऑर्डर है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या आपको किसी तरीके से कोई एलर्जी है, यदि आप जो गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, या आपको लगता है कि आप गर्भवती होने वाली हैं, या फिर आपको जैसे कि कुछ बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, सो ऐसी बीमारियों के बारे में, इन परिस्थितियों के बारे में आपको अपने डॉक्टर को पहले से बता देना चाहिए, जो डॉक्टर आपका सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि डॉक्टर आपका प्रिकॉशंस रखेंगे, उसी तरीके से सैंपल कलेक्ट होगा। अगर बात करें कि बोन मैरो बायोप्सी के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सो आपको 3-4 दिनों के लिए बहुत ज्यादा हैवी वर्क से बचे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हफ्ते या 2 हफ्ते तक भी ज्यादा हैवी वर्क ना करें, उसके साथ साथ में वेट लिफ्टिंग से बचें और थोड़ा सा आराम करें। इस दौरान आपके डॉक्टर्स आपको कुछ दवाई भी देंगे, तो उसको आप सही तरीके से उस दवाइयों को नियमित समय पर लें। अगर हम बात करें बोन मैरो
टेस्ट प्राइसिंग की। तो जो इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है बोन मैरो सैंपल को निकालना जो डॉक्टर करते हैं, ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे कि उसका कितना प्राइस होगा। दूसरा होता है कि बोन मैरो बायोप्सी, बायोप्सी जो इनिशियल टेस्ट होता है उसमें 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये लग सकते हैं, और उसके बाद होता है कैरियोटाइपिंग टेस्ट, उसमें 3000 से लेकर 5000 रुपये तक लग सकते हैं, और इसकी रिपोर्ट भी उसी तरीके से होती है। बायोप्सी की रिपोर्ट जो होगी 3 से 5 दिन में आ जाती है, और कैरियोटाइपिंग की रिपोर्ट जो होती है 7 दिन से लेकर 21 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाती है। सो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और तथा अन्य बीमारियों के बारे में आपको जानना है तो आप मेरे आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।